यमुना एक्सप्रेसवे के माइल स्टोन 90 के समीप सर्विस रोड पर सब पड़ा होने की सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे ग्रामीण व सुरीर पुलिस द्वारा मृतक की शिनाख्त पंकज शर्मा निवासी हरनौल के रूप में की गई। मृतक पंकज के शरीर पर 4 गोलियों के निशान पाए गए हैं, जिसमें साफ प्रतीत होता है कि पंकज की हत्या गोली मारकर की गई है। जानकारी के अनुसार मृतक ने 2 दिन पूर्व अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पूर्व 31 जनवरी को मृतक पंकज के पिता की भी संदिग्ध परिस्थितियों में वृंदावन से लौटते समय हरनौल मृताना मार्ग पर मौत हो गई थी। तब परिवारिक जन व पुलिस ने सड़क दुर्घटना मान कोई केस दर्ज नहीं कराया था। फिलहाल पुलिस ने मृतक पंकज शर्मा के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरी घटना बताएं। कुछ दिन पहले इसके पिताजी का मर्डर हो गया था। जी, किया कर दिया था और अब मतलब इसका मर्डर हो गया। तो मर्डर किस तरीके से हुआ, गोली मार के या कैसे? 3 गोली मारी। 3 गोली मारी है। तो अकेले बैठे थे? कितने अकेला लड़का था ये? जी, खराब थे। पुलिस मौके पर आ गई है। पुलिस मौके पर आ गई, बॉडी को थाने ले गई। आज सुबह जो है पंकज शर्मा समाप स्वर्गीय पप्पू शर्मा जो हरनौल कराने वाले हैं, उनकी डेड बॉडी यहाँ पे एक्सप्रेसवे किनारे मिली है जी। और उनके गोली मार के उनकी हत्या की गई है। लग रहा है पटना डिस्ट्रिक्ट मामला लग रहा है और हम पंचायत में पोस्टमार्टम कार्रवाई कर रहे हैं और उनके परिवारजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर, प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है मामला इसमें? अभी देखिए, कुछ भूमि विवाद का मामला, भूमि जमीन संबंधी मामला आ रहा है। शायद इनके पिताजी ने कुछ जमीन बेची थी, इन्होंने भी इनका भी कुछ मामला चल रहा था, क्योंकि माँ बाप की अकेली संतान है। जमीन संबंधी कुछ मामला लग रहा है। बताया जा रहा है पहले पूर्व में भी इसके पिता की भी हत्या हुई है? नहीं, कि पिता की मृत्यु हुई थी लेकिन उसमें कोई भी पंचायत पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, ना कोई तहरीर आई थी जो है, इसलिए हम उसको नहीं हत्या का मामला नहीं कर सकते जो है। उनकी 2-3 महीने पहले मृत्यु हुई थी ये जानकारी में आया है, लेकिन उस संबंध में कोई भी थाने सूचना ही नहीं प्राप्त हुई थी। अब इनकी हत्या हुई है, संबंध में सभी हिंदुओं पर जाँच कर रहे हैं और छह की घटना खुलासा करेंगे।